मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये विदेशी कंपनियों का बहिष्कार तभी हो सकता है जब आप अपने अपने घर का टेलीविजन बंद कर दें। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों की जितनी जाहिरात है वो टेलीविजन के माध्यम से, और रात दिन हमको ये जाहिरात सुना सुना के वो सामान खरीदवाते हैं। हम टेलीविजन क्यों देखते हैं? कई बार मैं लोगों से ये प्रश्न करता हूं कि टेलीविजन क्यों देख रहे हैं? काहे को एंटीना लगाया है, काहे को डिश एंटीना लगाया है? और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं, उन्होंने केबल कनेक्शन ले लिया है, सब एक ही जवाब देते हैं, राजीव भाई मनोरंजन करना। तो मैं कहता हूं ठीक है भाई, मनोरंजन करिए। तो मनोरंजन करते हैं तो क्या देखते हैं? घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पापा, उनके साथ उनके दादा दादी, तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठकर टेलीविजन पे चित्रहार देखती। चित्रहार में गाना कौन सा आता है? चोली के पीछे क्या है? हंसिए मत, इसको गंभीरता से सुनिए, चीज बड़ी है मस्त मस्त। और कभी कभी मैं आपसे पूछूं, अगर दिल पे हाथ रख के बताइए कि चोली के पीछे क्या है ये गाना आपका मनोरंजन करता या चीज बड़ी है मस्त मस्त ये गाना आपका मनोरंजन करता? और अगर ये गाना आपका मनोरंजन करता है तो कितने लोगों में इतनी हिम्मत है जो अपनी मां से पूछ सकें, बोल तेरी चोली के पीछे क्या है? और कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है जो अपनी बड़ी बहन के सामने ये कह सके कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और दोस्तों, ये गाने आपका मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ये गाने आपका चरित्र खलास कर रहे हैं। वो चित्रहार नहीं है, वो चरित्रहार है। और जिसको मनोरंजन के नाम पर आपने अपने घर में बुला लिया है, ये टेलीविजन आपका मनोरंजन नहीं कर रहा है, आपके मन में एक अजीब तरह की वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी को जन्म दे रहा है। और दुनिया में दो बहुत खतर होती है, एक बीमारी होती है जिसको सेक्स की वल्गैरिटी में कहता हूं। रात दिन ये टेलीविजन आपको जो कुछ दिखाता है वो सेक्स की वल्गैरिटी है। और ये सेक्स की वल्गैरिटी देखते 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 एक दिन हिंदुस्तान के नौजवान नवयुवतियां भी वही करने लगते हैं जो उस पर दिखाते हैं। क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में बचपन से हमको सिखाया जाता है, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये जो कुछ आप टेलीविजन पर देख रहे हैं वो आपके चरित्र को बर्बाद करने की एक साजिश है। और ये साजिश किसने बनाई है? ये विदेशी कंपनियां जानती हैं कि हिंदुस्तानी माटी में नौजवानों में इतनी खुमारी है कि कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई दयानंद हो जाता है, कोई तिलक पैदा हो जाता है, कोई भगत सिंह हो जाता है। तो अगर तिलक पैदा हो गया, भगत सिंह हो गया, विवेकानंद आ गया, दयानंद आ गया, तो इन विदेशी कंपनियों को मार मार के भगा देगा। तो उनको डर लगता है, तो इसके लिए वो टेलीविजन लेकर आए हैं अपने साथ में कि हिंदुस्तान के नौजवानों को एक मीठी नींद की गोली दे के सुला दो, इनमें से कोई विवेकानंद ना बनने पाए। और आपके सामने आदर्श क्या रखा जाता है? आपके सामने विवेकानंद का आदर्श नहीं रखा जाता, नालायक संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे लोगों के आदर्श रखे जाते हैं। और यह कितनी खतरनाक व्यवस्था है। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल की उम्र से, 4-4 साल की उम्र से, 5-5 साल की उम्र से यही सब देख रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अगर रोज दिन में 4 घंटे 5 घंटे टीवी देखें और सिनेमा देखें, जानते हैं क्या होगा? 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चे को कम से कम 30,000 बार मर्डर के सीन दिखाए जाएंगे। हर फिल्म में मर्डर, हर एपिसोड में मर्डर, हर एपिसोड, हर फिल्म में वॉयलेंस, हर एपिसोड में वॉयलेंस, हर एपिसोड में मारामारी। काहे को इतनी मारामारी दिखाते? क्यों इतनी वॉयलेंस हमको दिखाई जाती? पता क्यों? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वॉयलेंस से नफरत की जाती। यह देश अहिंसा वाला है, इसलिए भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना है तो अहिंसा की जगह हिंसा को लाना पड़ेगा। तो वो हिंसा हर आदमी कैसे करेगा? हर आदमी तभी हिंसा करेगा जब बार बार हिंसा देखेगा। और ये बार बार की जो हिंसा हम देखते हैं, इसका नतीजा जानते हैं क्या होता? मर्डर देखते 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 मन की दया खत्म हो जाती, करुणा खत्म हो जाती। और हमारे देश में एक कहावत कही जाती है, दया धर्म का मूल है। माने जब दया ही नहीं होगी मन में, धर्म कहां टिकने वाला है। तो वो सीधा आक्रमण आपके धर्म पर है। ये वॉयलेंस बहुत ही खतरनाक चीज होती है। और उसके साथ दूसरी खतरनाक चीज होती है सेक्स की वल्गैरिटी। ये सेक्स की वल्गैरिटी हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों नौजवानों को बर्बाद कर रही है। और यह बर्बादी सिर्फ अपने देश में आ रही है ऐसा नहीं है। अमेरिका में और यूरोप में यह बर्बादी आ चुकी है। और यूरोप के देशों में यह सेक्स की वल्गैरिटी की कितनी बर्बादी आई है, एक ही उदाहरण ताजा ताजा आपको देना चाहता हूं। 3-4 दिन पहले एक अखबार निकला, गुजरात समाचार। गुजरात समाचार के दूसरे नंबर के पेज पर एक खबर है। क्या खबर है? ब्रिटेन में 11 साल का बच्चा पिता बन गया है। और ब्रिटेन में अगर 11 साल का बच्चा पिता बन गया है तो उसके पत्नी की उम्र क्या है मालूम है? 15 साल। 15 साल के बच्चे जिनकी उम्र स्कूल में जाने की है, कॉलेज में जाने की है, कि मम्मी पापा बनने की है। और ये 11 साल और 15 साल के बच्चों को मां और पिता बनने का नुस्खा किसने दिया है? किसने फॉर्मूला दिया उनको? वो टेलीविजन से आया, सिनेमा से आया। और इस सिनेमा और टेलीविजन ने यूरोप के सारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया। मैं कितने यूरोपियन देशों में जाता था और वहां के लोगों से एक ही सवाल पूछता था कि आपके देश की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते थे कि राजीव भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्चियां मां बन जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और शादी करने की उम्र आते आते कोई लड़की 10 बार एबॉर्शन कराती है, कोई 15 बार कराती है। ये उनकी प्रॉब्लम है। वर्जिनिटी क्या होती है ये उनको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? भारतीय संस्कृति क्या होती है ये भी नहीं मालूम है। संयम क्या होता है, अपने ऊपर संयम रखने की व्यवस्था है। विद्यार्थी जीवन तो संयम वाला जीवन होता है, ये हर धर्म कहता है इस देश में। इसलिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में जाना पड़ता था ताकि 25 साल तक संयम के साथ आप शिक्षा ग्रहण करिए। वो संस्कृति उनको नहीं आती। और उसके बाद आज उनके यहां प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त हो गई है कि बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखें कहां? तो बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखने के लिए ही उनके देशों में कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। कॉन्वेंट स्कूलों में यूरोप में कौन बच्चे पढ़ते हैं जिनके मम्मी पापा का पता नहीं है? क्यों नहीं पता है? हिम्मत नहीं है यह बताने की कि यह मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। क्यों नहीं हिम्मत है? शादी के पहले हुए हैं। क्यों हो गए हैं शादी के पहले? टेलीविजन पे जो कुछ देखते थे, सिनेमा में जो कुछ देखते थे, वही किया फिर अपने जीवन में। और अब वही वल्गैरिटी अमेरिका में कितनी जबरदस्त आई है। अमेरिका में एक कमीशन बिठाया हुआ है। उस कमीशन में 2 चेयरमैन हैं। दोनों सौभाग्य से एक बार मेरे दोस्त बने थे। 4 साल पहले की बात है। मैं एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, बॉन में, फिर फ्रैंकफर्ट में। वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी वो दोनों व्यक्ति अमेरिका की सरकार के एक कमीशन के चेयरमैन हैं। वो कमीशन कर क्या रहा? कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि पिछले 35 साल में टेलीविजन से अमेरिका में क्या नुकसान हुए हैं, इसका अध्ययन करो। तो कमीशन की पहली रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट क्या कह रही है? 90 मिलियन अमेरिकन यूथ्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा। 9 करोड़ अमरीकी नौजवान बर्बाद हो गए हैं टेलीविजन और सिनेमा देखकर। 9 करोड़। अमरीका की कुल आबादी कितनी है? 27 करोड़। 27 करोड़ आबादी में से 9 करोड़ बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और उन 9 करोड़ बच्चों की बर्बादी कितनी है? हर पहला और दूसरा बच्चा सीजोफ्रेनिक हो गया, पागल हो गया। और वो पागलपन सेक्स का पागलपन है। अमरीका में किस कदर पागलपन है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां से दिखने में लगता है कि अमेरिका बहुत ऊंचा देश है, बहुत तरक्की वाला देश है। आपको मालूम नहीं है अमेरिका दुनिया में वो देश है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के ऊपर। 1 मिनट में सबसे ज्यादा रेप केसेस अमेरिका में होते हैं। 1 मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस अमेरिका में होते हैं। और अमेरिका में कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां शाम को 6 बजे अगर कोई लड़की निकल जाए तो लौटने वाली नहीं है। कितने लोग उसके साथ गैंग रेप करेंगे उनको खुद नहीं पता रहता। ये इतनी हैवानियत और इतना राक्षसीपन कहां से आ रहा है? वो टेलीविजन सिखा रहा है, वो सिनेमा सिखा रहा है। और वो टेलीविजन और सिनेमा अब हमारे देश में आ रहा है। जो बर्बाद कर चुके हैं अपने नौजवानों को। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।